हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए ये टैक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये टैक्स फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। आप एक ही क्लिक में इस किसी भी वीडियोस के लिए टैग को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये टैग्स होता क्या है। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने एक ये वीडियो बनाया है, हाउ टू डिलीट ऐप्स फ्रॉम कंप्यूटर। तो इसका दोस्तों, ये जो हाउ टू डिलीट ऐप्स फ्रॉम कंप्यूटर, ये मेन कीवर्ड है। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो मेरा यूज़र हो वो यही कीवर्ड डालकर इस वीडियो को एक्सेस करे। दोस्तों, वो अलग अलग कीवर्ड डालकर भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों, जो ये अलग अलग कीवर्ड होते हैं उनको आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो यही दोस्तों होता है हमारा टैग्स। ये टैग्स दोस्तों जो होते हैं वो हमारे वीडियो को रैंकिंग करने में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड तो आप यहाँ पे 100 कैरेक्टर का ही लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों, जो ये टैग होता है, यानी कि आपके वीडियो को सर्च करने के लिए जो अलग अलग कीवर्ड है, यहाँ दोस्तों आप 500 कैरेक्टर तक का टैग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो का टैग फाइंड करेंगे और वो भी फ्री में। तो जैसे दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिलीट एप्स फ्रॉम कंप्यूटर, इसके लिए अब हम यहाँ पे टैग फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल पे आना होगा, और गूगल पे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे टाइप करना होगा रैपिड टैग्स, RAPID, रैपिड टैग्स। ये देखिए दोस्तों, ये रैपिड टैग्स की साइट खुल गई है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपको इसी वाले लिंक पर जाना है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसका प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नए यूट्यूबर है तो इसके फ्री वर्जन के साथ ही आप जाइए। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, आपके वीडियो का जो भी टाइटल है या आपका वीडियो जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड है वहाँ पे इसको डाल दीजिए। जैसे मेरा पीसी के ऐप को डिलीट करना था तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिलीट डिलीट ऐप्स फ्रॉम पीसी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा एक कीवर्ड था। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद दोस्तों, इस कीवर्ड से संबंधित जो जो भी कीवर्ड होंगे जो यूट्यूब पर सर्च किए जाते हैं, दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही कीवर्ड देखेंगे जो यूट्यूब पर सर्च किए जाते हैं। अगर दोस्तों ये कीवर्ड आप अपने यूट्यूब वीडियो के टैग्स में लगाते हैं, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपके वीडियोज़ की रैंकिंग कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको इन टैग्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने उसी वीडियो पर चल जाइए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे 500 करेक्टर तक का ही वर्ड मिलता है, और यहाँ पे मेरा 529 हो गया, तो इसीलिए ये रेड दिख रहा है। इसका मतलब दोस्तों, मुझे इनमें से कुछ टैग्स को डिलीट करना होगा। तो मैं मान लीजिए इसमें से ये दो तीन डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप इसमें से कोई भी डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 500 से कम हो गया तो ये नीला दिख रहा है। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, जो आपका ये वीडियोस का मेन टाइटल होगा, आपके वीडियोस को इस टाइटल से भी सर्च किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे टैग्स आपने लगा के रखे हैं, अगर दोस्तों कोई यूज़र इन टैग्स को भी अगर लिखता है तो भी आपकी वीडियोस सर्च में आएगी। तो दोस्तों, टैग्स लगाने का यही फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक मार दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।